सर क्लास एंड हो गया। हाँ बताओ रूपम। सर क्लास एंड हो गया। नहीं, फर्स्ट सेशन एंड हुआ है, अभी दूसरा सेशन चलेगा, फिर तीसरा सेशन, तीन ओके सेशन सर। चलेगा। वो सर इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा था इसलिए फोन से किए। ओके, हाँ मुझे लग रहा था, कोई इशू नहीं है रूपम। सो ओके ओके सर। आई विल वेट सो दैट ऑल कैन ज्वाइन एंड देन आई एम गोइंग टू चेक द कोड अगेन। सो प्रिंस कुमार, आप बताइए आपका क्या हाल चाल है, आपका क्या प्रॉब्लम है, आपका तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है मुझे। सर कोड रन नहीं कर रहा है। तो कोड रन नहीं कर रहा है तो ये अलग बात है, तो आप पहले बताइए आप शांत होकर बैठने से क्या फायदा, आपका प्रॉब्लम हो रहा है तो आप नहीं बता रहे हैं ना, तो कैसे शॉर्ट आउट होगा। कोड का रन नहीं हो रहा है तो मीन्स क्या प्रॉब्लम, क्या आ रहा है, एरर कुछ आ रहा है या लॉजिकल प्रॉब्लम है या क्या आ रहा है। सर थोड़ा लॉजिक में कंफ्यूजन है। सर लॉजिक में कंफ्यूजन है, तो आप नहीं बताएंगे तो मैं कैसे शॉर्ट आउट करूंगा, आप आके बैठे हैं मीटिंग पे कुछ नहीं बोल रहे हैं ना, तो मैं कैसे समझूंगा आपका प्रॉब्लम। मैं पूछ रहा हूँ ना बार बार आप लोग को भी, आप लोग अपना प्रॉब्लम बताइए मुझे। ओके तो 10 पर, ओके सुचिता यू कैन शो द कोड टिल द टाइम शिखा एंड वन पर्सन हैव मोर हैव प्रीति सरकार, आई थिंक मैं प्रीति कुमारी, प्रीति सरकार इज नॉट इन द मीटिंग। ओके सुचित्रा एंड साइज इनपुट एरे, एरे एन आपने एक एरे लिया है। ओके ओके डन करके दिखाइए क्या एरर प्रॉब्लम क्या आ रहा है। देखते हैं थ्री टू फाइव सिक्स विल बी द आउटपुट बट हियर वी आर गेटिंग 9। हाँ सर वो साइज को भी ऐड कर ले रहा है। यस ओके क्लोज द आउटपुट स्क्रीन। अगर हम लोग आउटपुट स्क्रीन का बंद कर दीजिए, मैं कोड का चेक कर लेता हूँ। ओके अगर यहाँ पे फॉर यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं, कहीं सिंटेक्स एरर है क्या? क्योंकि मुझे उतना पता नहीं है पाइथन के बारे में। सिंटेक्स एरर होता तो तुम्हारा रन नहीं करेगा। सिंटेक्स एरर तो पहले ही कॉल मीन्स करके लॉजिकल बैठा एरर, सॉरी लॉजिकल एरर। है। हाँ मुझे वही लॉजिकल एरर ही देख रहा हूँ मैं, लॉजिकल कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो मैं वो चेक कर रहा हूँ। ओके अगर हम लोग इसको यूज करें, ओके एरे में तुमने वैल्यू वहां पे एरे में डाला है, हेलो हाँ निशु बताइए। हाँ वो जो सुचित्रा या वो एन लिखी थी ना, क्योंकि वो एन ऐड कर ले रहा था। हम लोग ना लिस्ट हमेशा ब्लैंक लिखते आई थिंक, तो वो एन लिखी थी लिस्ट के अंदर, आई थिंक वो भी उसको ऐड कर ले रहा था लिस्ट के अंदर, पेंड हो जा रहा। एक सेकेंड एक सेकेंड, हो सकता। हाँ, एक सेकेंड करके देखते हैं। देखो ये भी हो हाँ वही गया, वही गलती था। हाँ ये डिस्कशन का फायदा है कि अगर एक गलती किया तो दूसरा बता सकता है। यहाँ पे और एक चीज हो सकता है कि सम इक्वल टू जीरो तुमने जो लिया है उसके बाद अगर हम लोग डायरेक्ट सम फंक्शन को यूज कर देते हैं शायद वहाँ पे भी आ जाना चाहिए, मीन्स एक वेरिएबल जो है वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट अगर सम इक्वल टू एरे को डिफाइन कर देते हैं, सम ऑफ एरे, देन शायद उसका भी आउटपुट आ जाएगा। हाँ वो उसमें भी हो तो सकता भी तो है। हाँ फॉर लूप बिना फॉर लूप यूज किए भी हम लोग उस पर डायरेक्ट फंक्शन एक्स्ट्रा एड नहीं कर, लेना पड़ेगा। हाँ हाँ तो बिना फॉर लूप यूज किए हम लोग डायरेक्ट सम फंक्शन यूज करते हैं तो डायरेक्ट हमारा रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है ना, तो ये भी प्रोसेस हो सकता है। ओके सो फाइन, सो दिस इज द डिस्कशन दैट वन इज इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग देन अनदर पर्सन कैन हेल्प अस, सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ डिस्कशन। ओके सो शिखा आपका कोड, सर हाँ बोलो रूपम। वो टेकन फ्रॉम यूजर वाला क्या था, उसमें मिस्टेक?
तुम्हारा मैं कोड अभी मैं उसका भी शॉर्ट आउट कर दूंगा रूपम, तुम्हें दिखा दूंगा कि क्या तुम्हारा गलती था, ठीक है ना? मैं दिखा रहा हूँ। ओके शिखा, तुम्हारा कोड रन करो, देखते हैं ना यहाँ पे बहुत हम लोग सब मिलके देखेंगे, फिर कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग शॉर्ट आउट कर देंगे, क्या दिक्कत है? शो अस द स्क्रीन। अच्छा लिस्ट फंक्शन लेके पहले कौन दिखाया था मुझे? शायद डॉली, डॉली आपने दिखाया था ना मुझे लिस्ट फंक्शन लेके? यस सर। ओके तो इसके बाद डॉली एक बार अपना स्क्रीन शेयर करेंगे, तो आप एक बार हमको एक्सप्लेन करेंगे कि आपका रूपम का ऑलमोस्ट सेम था, तो रूपम का जो इशू है आप एक बार उसको समझा दीजिएगा। ओके सो डॉली, रूपम चेक कर लीजिए कि क्या था, क्या प्रॉब्लम था, ठीक है ना? तो डॉली आपको समझा देगा। डॉली आप पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए। प्रिंस, प्रिंस कुमार। यस सर। हाँ तो आप भी समझ लीजिए क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, कैसे ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है ना? तो आप भी समझ लीजिए एक बार। सो डॉली प्लीज एक्सप्लेन अस। Firstly, I have defined list function here, and list equal to big bracket. I have taken square bracket, and I have here I have entered the size of the array. So it is we are able to take the size of array from user. From here, we can take the size of array. So I have stored the size of array in size. Then I am printing enter elements of array so that user can enter each element of array. One by one, and then by using for loop, I in range size means whatever the size of the list or array, up to that it will this loop will go. Okay. After so, that, num equal to int input. What's up? Yes, continue, Dolly. Continue. Okay, then I am storing the input in num. And this function, this list dot append, this is used here to sum each element. Like first element append second element means first element plus second element like that. And finally, I have printed the sum. Okay, so fine. Now I will like to move to Pallavi. Pallavi, आप अपना कोड एक बार शेयर करके अपना वाला जो आपने लॉजिक यूज किया आप उसको भी हम लोग को थोड़ा समझा दीजिए कि बाकियों को सारे प्रोसेस के बारे में पता चले। तो पल्लवी आप अपना वाला कोड भी थोड़ा शेयर करके हम लोग को बताइए। यस सर। Here I have taken one input that in which we have to enter the array elements, and then I am using here split function, which generally adds a comma when we enter the elements in an array. So in it enters the all the elements, and then here I am printing whatever the elements that I have entered. Then I have taken one sum. And then for calculating the sum in the array, I am using for loop. And it is, here it is, the sum is calculated, and at last I am printing the sum. Okay. So. Sir, what you told now to ask for what is the number of input, that is, I'm not able to do. Okay. So how to take the number? Yeah, the what is the number of elements? So in that case, you can add just a line there, na? That you can. Okay, just a minute. So you can add here that first define only one single and take another variable there that enters the size of the array. Just take another variable there. Taking another variable, just enter the size of the array. I think there will be an integer type declaration, a equal to int input. Okay, fine. Now you have here the declared. Now just part will be okay.
then all the things have been defaulted on to the array elements input. The array element there you have, okay. In the array element, if you are doing that, so if you have entered that, so run the code. Just let me check. Write code. Array element, then okay, so it is giving the error. Input dot end, input dot end. यही मेरा भी आ रहा है. So how to use a? Okay, fine. Whatever the size we are asking for. Yes. So here I think we are using list, right? Then we don't need to define a size like array. Array is different from list. Yes, but list is a variable size. That is fine. But user. In that case, if अगर हम लोग यहाँ पे पहला वाला लाइन हटा देते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, तो पल्लवी पहला वाला लाइन आप हटा दीजिए. अभी जो ए का जो पार्ट है, ये वाला लाइन आप हटा दीजिए. तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम मेरी तरफ से जो आ रहा है कि आप पल्लवी आप रन कीजिए कोड को. तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि सुचित्रा कि हम लोग कितना वैल्यू डालना चाहते हैं, 4, 5, 6, 7, तो हम लोग कुछ भी डालने से. सर, वी कैन यूज साइज, वी कैन यूज साइज फंक्शन. ओके, वी कैन यूज द लेंथ और साइज फंक्शन. ओके, सो हाउ टू डू दैट, कैन यू टेल अस? एक्चुअली आई डोंट नो अबाउट इट, बट या आई थिंक इन अ पाइथन इट इज ऑल मींस ऑलरेडी देयर. I think length function or size function for size of or length operation we can use there. Okay, so okay, Pallavi, just let me think for some time. I will like in Java. So like, hello. Yes, yes. Like in Java, we are in Java we are using like array list. Likewise, in a Python, we can use list and. In a Python we can't use array most of the cases. We are using just list. Yes, the list means array is defined in Python as there list. Is no concept of array. Yes, means array is what? Actually an array is there, but array is called as list. Array is converted as list. So we are using the list there actually. Yes. But okay, so hello sir. Yes, Nishu. या सर, जैसे बोल रहे हैं अगर किसी को साइज यूज करना रहेगा ना, तो पहले ना हम लोग लूप चलाना ही पड़ेगा. अनफॉर्चुनेट लूप चलाना पड़ेगा तभी ना. अगर हम लोग ना इनपुट इनपुट को और लिस्ट को एक लूप के अंदर डाल देंगे, अगर हम लोग लूप चलाएंगे जो भी वो ए डाली है उस रेंज तक तो मेबी वो हो जाएगा, क्योंकि बिना लूप के वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि लूप ही पे डिपेंड करेगा. एग्जैक्टली, हां, फर्स्टली वी सबसे पहले हम लोग को लूप बनाना ही पड़ेगा. ओके, लूप के अंदर इनपुट और लिस्ट दो जो स्टेटमेंट है. Okay, अगर हम लिस्ट यूज कर रहे हैं फिर भी सही बोल रही है, लूप तो क्रिएट करना होगा. सो डिफरेंट ऑप्शंस एंड ओपिनियंस आर देयर, सो वी नीड टू शॉर्ट इट आउट. ओके, सो पल्लवी, डू वन थिंग फॉर मी, जस्ट सेंड दिस कोड. मींस ये आप कोड जो भी है आप एक नोटपैड पे इसको कॉपी करके ये कोड मुझे भेजिए, ठीक है ना? ओके, आप एक कोड मुझे भेजिए, मैं देखता हूँ ये कैसे शॉर्ट आउट किया जा सकता है. मुझे इसको तो थिंक करना होगा, फिर मैं आई कैन शॉर्ट आउट. तो आप मुझे ये कोड भेजिए, मैं देखता हूँ. ओके, तो अगर आप लोग भी ट्राई कीजिए, मीन्स आप लोग को भी अगर इस पे कुछ सोल्यूशंस मिलता है तो आप लोग भी इसको ट्राई कीजिए. सो दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन. तो आप लोग मिल के भी एक सोल्यूशन अगर इस पे निकाल सकते हैं तो दैट इज ऑल्सो एप्रिशिएबल. मैं आप लोग को भी अपॉर्चुनिटी है, तो आप लोग भी ट्राई कीजिए, मैं भी ट्राई करता हूँ, फिर देखते क्या सोल्यूशन इसका निकलता है, ठीक है ना? सो यू पीपल आल्सो ट्राई इट. सो दैट इज आवर कोड को कॉपी करके चैट बॉक्स में सेंड करने बोलिए ना, हो जाएगा तो फिर. ओके, सो पल्लवी कोड को कॉपी करके तुम चैट बॉक्स में मुझे शेयर, यहाँ पे चैट बॉक्स पे डाल दो,
तो हम लोग सबको अभी मिल जाएगा, ठीक है ना। ओके तो यहाँ पे सबका मिला, और एक यहाँ पे नया कोड मुझे देखने को मिला था। अनिशु अपना वाला कोड थोड़ा शेयर कीजिए, तो अपना आप अपना वाला कोड शेयर करके अपना वाला लॉजिक भी थोड़ा हम लोग को समझा दीजिए, तब तक हम इस पे थोड़ा देखते हैं। निशु तो ये भी एक नया मिला था मुझे लॉजिक, तो आप इसको थोड़ा समझा दीजिए हम लोग को भी। So, पहले हम ना एक n वेरिएबल लिए जिसमें हम यूजर से मांग रहे वो जितना नंबर ऑफ एलिमेंट ऐड करना चाहता है, और एक हम ना लूप चला रहे हैं। एक्चुअली अगर हम लोग को कभी भी फॉर लूप ना सिंगल लाइन में यूज करना रहेगा ना, तो हम लोग हमेशा पहले लिस्ट क्रिएट करते हैं और हम लोग को जो भी प्रिंट करना रहता है वो हम लोग लिखे। सर अगर हम लोग को फॉर लूप सिंगल लाइन यूज करना रहा तो सबसे पहले एक लिस्ट क्रिएट किया, उसमें जो भी मुझे इनपुट करवाना है वो लिखे, उसके बाद वो फॉर लूप चलेगा फॉर आई इन रेंज एन। लाइक अगर एन का लोग वैल्यू 4 लिखेगा तो वो लूप स्टार्ट होगा 0 से 0 1 2 3, तो वो इनपुट करेगा, हम इंट में कन्वर्ट कर दिए, एक्चुअली इनपुट स्ट्रिंग में होता तो वो 4 वैल्यू इनपुट करेगा, फिर हम ना प्रिंट करवा कर देखे बी लिस्ट प्रिंट हो गया, एंड देन पहले वाला जैसा कोड, फिर सम कर दिए एक एक एलिमेंट को, एक एक एलिमेंट को उठा के सम कर दिए सिंपली। ओके ओके फाइन थैंक यू। सो यहाँ पे पल्लवी ने अपना कोड मुझे चैट बॉक्स पे शेयर कर दिया है, सो सबको आई थिंक ये दिख रहा है, तो आप लोग इस पे वर्क कीजिए। अगर किसी को इसका सलूशन मिलता है तो आप लोग हमको जरूर बताइए, हम लोग को शेयर कीजिए। सो दैट इज अनदर समथिंग न्यू डिफरेंट वी नीड टू वर्क आउट, वी नीड टू फाइंड द सलूशन हियर। ओके सो क्या आप लोग अभी इस पे वर्क करना चाहेंगे या मैं कुछ नया टॉपिक पे नया प्रोग्राम लेके डिस्कस करूँ, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लगेगा, ये थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। कोई दूसरा प्रोग्राम? हाँ तो ये मैं आप लोग को थोड़ा होम असाइनमेंट के हिसाब से देता हूँ कि आप लोग ये जो पल्लवी ने कोड शेयर किया है तो आप लोग ये सारा कोड कॉपी कर लीजिए पल्लवी का, तो आप लोग घर पे इसको थोड़ा ट्राई कीजिए, देखिए कि क्या सलूशन मिलता है, तो मैं भी इसको देखता हूँ, ठीक है ना। तो पल्लवी आई थिंक आई कैन शॉर्ट इट आउट। ओके सो एज आई एम ऑल्सो नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ डेटा साइंस और पाइथन, बिकॉज मैं भी जितना तक पता है मैं उस हिसाब से आप लोग को करवाऊंगा, तो देखता हूँ मैं कितना तक इसके प्रोसेस कर सकता हूँ। ओके सो नेक्स्ट वी आर फॉर गोइंग फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, आवर नेक्स्ट प्रोग्राम दैट इज ओके वेट अ मिनट। Okay, so the next program is program to reverse an array. Program to reverse an array in Python. Program to reverse an array. So the next program here we are going to do, that is Python program to reverse an array or string. We can say an array or string. So Python program to reverse an array or string. Python program to reverse an array or string. So let's go for this particular code, how we can do that. So क्या करना चाहिए हम लोग पहले एक array को declare कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले एक हम लोग array को declare कर लेते हैं, फिर जो array हम लोग declare करेंगे, जो value हम लोग array पे declare करेंगे, बस उसको हम लोग को रिवर्स ऑर्डर पे प्रिंट आउट करना है, उसको हम लोग को रिवर्स ऑर्डर पे प्रिंट आउट करना है। ओके तो दो प्रोसेस कीजिएगा, एक प्रोसेस आप पहले एरे को डिक्लेयर कीजिए, फिर जो ओरिजिनल एरे है आप उसको एक बार प्रिंट करके दिखाइए, फिर एरे को रिवर्स ऑर्डर पे आपको प्रिंट करना है, फिर एरे को आपको रिवर्स ऑर्डर पे प्रिंट करना है, ठीक है ना। तो कैसे किया जा सकता है,
इंडेक्सिंग मेथड का यूज कर सकते हैं सर, कुछ भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, आपको जो भी लॉजिक सही लगे आप यूज कीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पे, कोई पर्टिकुलर लॉजिक यहाँ पे मेंशन नहीं है। यहाँ पे एक हिंट मैं दे सकता हूँ कि पाइथन पे एक रिवर्स फंक्शन का यूज किया जा सकता है, यूजिंग द रिवर्स फंक्शन। ओके, तो आप जो भी एरे डिफाइन करेंगे एक सिंपल इस रिवर्स फंक्शन यूज करने से आपका कोड 3 या 4 लाइन पे ये खत्म हो जाएगा, 3 या 4 लाइन मैक्सिमम, रिवर्स फंक्शन यूज करने से आपका कोड 3 या 4 लाइन पे प्रोसेस खत्म हो जाएगा। सो आप लोग रिवर्स एरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, रिवर्स एरे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जिनका हो जाएगा आप लोग हैंड रेस कीजिएगा तो मैं देखना स्टार्ट करूंगा, कोड चेक करना स्टार्ट करूंगा। तो हो जा, किसी का हो गया तो आप लोग हैंड रेस कर दीजिएगा। मैं दो ऑप्शन आप लोग को बता रहा हूँ, एक आप लोग रिवर्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं, एक आप लोग यहाँ पे रिवर्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं। रिवर्स फंक्शन यूज करने से आपका कोड 3 या 4 लाइन मैक्सिमम 5 लाइन होगा। रिवर्स फंक्शन यूज करने से आपका जो एरे है, बस यूजिंग द रिवर्स फंक्शन द एरे विल बी रिवर्स ऑटोमेटिकली, नथिंग नीड टू इम्प्लीमेंट मच मोर, बिकॉज रिवर्स फंक्शन व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द वर्क ऑफ रिवर्स, दैट विल बी डन बाय द रिवर्स फंक्शन। दिस इज वन ऑप्शन, द इजिएस्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन आप लोग को क्या यूज कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पे कि एक एरे लीजिए, एरे में आप जो यूज किया है मीन एरे एक लिस्ट डिफाइन कीजिए, जो भी एरे लिस्ट आप लोग जो भी डिफाइन कीजिए, फिर आपने क्या करिए, फिर आप उसको फॉर लूप के यूज करके ओरिजिनल एरे प्रिंट कीजिए, फॉर लूप यूज करके ओरिजिनल एरे प्रिंट कीजिए। तो फॉर लूप यूज करके जब आप ओरिजिनल एरे प्रिंट करेंगे तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 1, 2, 3, 4 वॉट एवर द एरे अप टू साइज। तो अगर 4 वैल्यू है तो स्टार्टिंग फ्रॉम फॉर आई इन रेंज टू 0 अप टू द लेंथ ऑफ एरे, फाइन। अब उसको ही रिवर्स ऑर्डर में करने के लिए क्या कीजिए, लूप को बैक साइड से रिवर्स कीजिए, लूप को बैक साइड से इटरेट कीजिए। तो नॉर्मल प्रिंट करने के लिए क्या होगा, नॉर्मल प्रिंट करने के लिए आपको फॉर ओरिजिनल एरे प्रिंट करने के लिए 0 से स्टार्ट होगा लेंथ ऑफ एरे तक। अगर रिवर्स प्रिंट करना है तो आप क्या कीजिए, लेंथ ऑफ एरे को पहले प्रिंट कीजिए, फिर हर एक टाइम उसको डिक्रीज करते जाइए, हर एक टाइम उसको डिक्रीज करते जाइए, तो उसका ऑर्डर रिवर्स ऑर्डर से प्रिंट आउट हो जाएगा, उसका जो ऑर्डर है वो रिवर्स पे हम लोग को आउटपुट शो करेगा। सर ये वाला यूजर इनपुट होगा या खुद से कर सकते हैं? नो, फर्स्ट डिफाइन नॉर्मल। ओके, सो शिखा का हो चुका है, एंड व्हाट अबाउट द अदर्स?
So, Shikha and Suchitra have done. So, okay, so let's start checking the code. First of all, Shikha. Is it visible, sir? Yes, Shikha, no issue. So, define reverse function. Okay. And print up to this. Okay, fine. Okay. I print the reverse function. Okay. Okay. Run the code. D G. Okay. 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 Fine, Shikha. Next, Suchitra. Okay. Size array input size आपने define किया okay. ये तो पहला वाला है शायद सुचित्रा अपने अच्छा ये reverse वाला भी है हाँ ठीक है run कीजिए हाँ हाँ okay मैं array append देखती हूँ उसको सोचा पहले वाला है five four three two one okay fine सुचित्रा Pallavi. Sir, mera predefined. हाँ ठीक है no issue. Okay fine. So Python में multi-line comment कैसे करेंगे? Multi-line command. Comment. Multi-line comment कैसे करेंगे? Okay. Fine. सोचते बताता हूँ रुको. ओके तब तो मैं पहले पल्लवी का देख लेता हूँ फिर मैं बताता हूँ ओके पल्लवी रन द कोड ओके फाइन ओके पल्लवी थैंक यू देन प्रीति कुमारी यस सर शो द थिंग ओके रन द कोड ओके Sir, due to network issue, I have faced some problem. Okay, no issue. Okay, fine. Okay, sir. Okay, so anyone more want to? किसी का भी दिखाना है Dolly. निशु आप लोग का सुचित्रा का सवाल है मल्टी लाइन कमेंट हम लोग कैसे करेंगे यस आई थिंक यूज ट्रिपल टाइम डबल डबल इनवर्टेड कॉमा एक्चुअली द थिंग इज वो मुझे पता है मींस मैं बोल रही हूँ ना कि मैं सेलेक्ट करके होता है ना वो वाला बोल रही हूँ बट एक्चुअली द थिंग इज In Python, as far I know, that जहाँ तक मुझे पता है कि it does not support multi-line comments. Okay, जहाँ तक मुझे पता है, तो मुझे थोड़ा जानकारी और लेनी होगी अगर कुछ अलग अगर कुछ process है multi-line comments support करने के लिए. लेकिन Python अभी तक जहाँ तक मुझे पता है कि multi-line comments features को support नहीं करता है Python.
ठीक है, मींस उसका कुछ पर्टिकुलर सिंटैक्स नहीं है मल्टीलाइन कमेंट्स को हम लोग यूज करने के लिए। जैसे हम लोग कुछ स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं ना, कि प्रिंट मान लीजिए कुछ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो ऐसा अगर हम लोग कुछ प्रिंट करते हैं तो उसको जैसे हम लोग लिखते हैं कि डबल इनवर्टेड कॉमा देन ब्रैकेट हेलो देन कॉमा देन सम वर्ल्ड, जैसे हम लोग प्रिंट करते हैं ना, दैट इज अ प्रोसेस, मीन दैट इज एक्चुअली नॉट द पर्टिकुलर मल्टीलाइन कमेंट, बट इसको ब्रेक करके हम लोग अगर लिखना चाहते हैं तो दैट कैन बी डन, ओनली द कॉमेंट्स विल बी डन, द कॉमेंट वी कैन सी बट नॉट द टोटल प्रोसेस। जैसे मीन्स आप लोग को अगर मैं एग्जाम्पल के हिसाब से बताऊँ तो मान लीजिए, एक मिनट मैं शायद आप लोग को दिखाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए आप लोग कोई भी अपना स्क्रीन शेयर कीजिए, एक बार मीन्स कोड का स्क्रीन शेयर कीजिए, मैं आपको एक कोड बता रहा हूँ, आप लोग लिखिए। सुचित्र आप शेयर कीजिए अपना कोड जो आईडी लिखे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप जैसे पहले ऊपर में मेंशन किए ना, रिवर्स एन एरे इन पाइथन, ठीक है ना, तो जैसे आपने एक हैशटैग यूज किया है, जैसे आपने एक हैशटैग लाइन यूज किया है, तो वैसे ही हम लोग मल्टीलाइन कमेंट्स यहाँ पे ऐसे प्रॉपरली यूज नहीं कर सकते। जस्ट उसको अगर हम लोग ब्रेक कर दे, जैसे आपने वहां पे जो मेंशन किया रिवर्स एंड, अब उसके बाद एरे पे जाके एंटर डालिए, वहां पे फिर से आप हैशटैग एक ऐड कर दीजिए, ठीक है ना, फिर आप पाइथन पे जाके और एक बार हैशटैग ऐड करके नेक्स्ट लाइन पे डालिए। तो ये हम लोग कुछ ऐसे हैशटैग डाल के प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन मल्टीलाइन कमेंट का जो फीचर है ये पाइथन डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग अब इसको रन करेंगे तो ये प्रोसेस ऐसे ही रन कर जाएगा, लेकिन ये जो हैशटैग है ये मींस इसको डिफाइन नहीं करेगा, प्रोसेस को शो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो मल्टीलाइन कमेंट प्रॉपरली यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है। तो सर पाइथन में यूज नहीं करेंगे मल्टीलाइन फीचर्स अवेलेबल नहीं है तो तुम कैसे यूज करोगे, फीचर्स वहां पे अवेलेबल नहीं है, वो सपोर्ट नहीं करता है ना। यस ओके, तो डॉली आपका शायद कोड हो गया है, तो आप अपना कोड मुझे शेयर करके दिखाइए। सर स्क्रीन शेयरिंग इनेबल नहीं है अभी, देखिए वो शायद अब सुचित्रा का ऑन था शायद, अब देखिए हो जाएगा। ओके रन द कोड, ओके राइट समथिंग, ओके फाइन, ओके मैंने सबका ऑलमोस्ट चेक कर लिया है, दैट इज नॉट एन इशू। हाँ सर, रिवर्स एरो को अगर हम कॉलम में डालना चाहेंगे जिसमें स्लैश एंड डाले हैं, फिर भी वैसे शो नहीं हो रहा है, वही ट्राई कर रहा था तब से। रिवर्स एरो को और एक बार बताइए मेरा। सर रिवर्स एरो को जैसे यहाँ रो में प्रिंट हो गया है ना, अगर इसी साइड इसी तरह हम कॉलम में डालना चाहेंगे तो यहाँ तो स्लैश एंड दिए हैं रिवर्स एरो में। ये शायद सुचित्रा ने किया था, सुचित्रा आप थोड़ा हेल्प कर दीजिए यहाँ पे क्या करना है। सुचित्रा यस सर, तो कैसे आपने शायद मुझे दिखाया था कि कॉलम वाइज प्रिंट करना है तो कैसे किया जाएगा। मैंने बस जस्ट प्रिंट किया था, इसमें कुछ स्टेटमेंट नहीं लिखा था, आई थिंक इसलिए हो गया होगा। एक सेकंड, हाँ मैंने कुछ इसमें जैसा स्टेटमेंट लिखा है ना रिवर्स एरे, मैंने जस्ट वही वाला लिखा था। ओके सर, कॉमा देके जो वैल्यू दी है उसको और एक बार नेक्स्ट लाइन में प्रिंट स्टेटमेंट के साथ करने से कॉलम में आ जाएगा। तो क्या करना है बताइए पल्लवी। सर जो एरे लिखी है ना कॉमा के बाद स्टेटमेंट के बाद, उसको फिर नेक्स्ट लाइन में लिखने से आ जाएगा कॉलम में। तो डॉली उसको हटाइए वहां से पूरा। और उसको फिर प्रिंट करके नेक्स्ट लाइन पे डालिए।
ऐसे पल्लवी सही है? यस सर। रमजान करके देखिए, नहीं आया। सो उसके लिए तो लूप यूज करना ही होगा। ये तो पूरा वो लिस्ट प्रिंट करवा रही है ना, इसीलिए वो लिस्ट के फॉर्म में आ रहा है, इसके लिए उसको लूप यूज करना होगा। यस। अगर वो एलिमेंट एक एलिमेंट देखना चाहती है एक्सट्रैक्ट करके तो। हाँ, तो आपने पहले वाला सेक्शन, पहले वाला पोर्शन को जो फॉर लूप यूज किया है ना, जो एंटर एलिमेंट्स ऑफ एरे, जो एक्चुअल एरे था, आपने उसको शो करने के लिए जो पहले वाला फॉर लूप यूज किया है, आप उसको थोड़ा कॉपी करके फिर उसको यूज कर दीजिए। इसको हटा दे सर, डिलीट कर दे प्रिंट और लाइन को। उसको बाद में प्रिंट कीजिएगा। फॉर लूप यूज करने के बाद उसको प्रिंट होगा। नहीं नहीं इसमें नहीं होगा। पहले क्या करो ना, वो जो तुम दो लूप ली हो ना, एक लूप को हटा दो, ठीक है? और जहाँ पे तुम प्रिंट करवा रही हो ना डायरेक्ट लिस्ट को, प्रिंट ना करवा के उसको बस उतना ही करो, उसके बाद एक फॉर लूप यूज कर लो। मतलब सेकंड वाला फॉर लूप को पूरा पूरी हटा दो। और जो प्रिंट कर रही हो ना एरे को, वो प्रिंट मत करो, प्रिंट मत करो, डायरेक्ट वो फंक्शन रहने दो जो कर रही हो परफॉर्म, बस प्रिंट मत करो उसको। वो वाला, हाँ उसको नहीं, वो ठीक है, सेकंड प्रिंट का बात कर रहे हैं। वो स्टेटमेंट रहता, वो स्टेटमेंट रहता, बस प्रिंट नहीं रहता, प्रिंट नहीं करता। ये रहेगा एरे, हाँ 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 वो रहेगा। हाँ अब एक फॉर लूप ले लो और इसको रेंज करके मतलब प्रिंट करवा दो, मे बी वर्क करे, पता नहीं। अरे 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 साइज नहीं, अरे अरे को करेगा ना। हाँ कॉलन प्रिंट 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 कुछ नहीं करना है, खाली प्रिंट करो। ये ऊपर वाला प्रिंट रिवर्स आ रहा है, इसको तो फिर हटाना पड़ेगा ना। वो रहने दो ना, अभी बस इसका देखना आई।